आज का सी सैट का प्रश्न है, यदि एक्स तथा वाई धनात्मक पूर्णांक हैं तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन को संतुष्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान होगा, ऑप्शन है 11, 31, 61, 91। कौन सा ऑप्शन सही होगा तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चैनल पर नए आए हैं और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए, लॉजिक्स मैथ्स क्विज से संबंधित वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 11 मान दिया गया है तो हम इसको लिख लेते हैं। अब हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में इसको तोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई इसको तो 11 वैसे ही उतार लिया, ठीक है। अब हम 11 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम अलग अलग कर लेते हैं, x प्लस वाई को 11 के इक्वल और x माइनस वाई को 1 के इक्वल, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं और इसको समीकरण हम 2 बना देते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। अब जब जोड़ लेंगे तो चलो भैया जोड़ते हैं, यहां पर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 11 प्लस 1, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x और प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से अगर 12 को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम इधर जो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो हम ये मान जो है x इज इक्वल टू 6 का मान जो है हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो x का मान जो है x इज इक्वल टू 6 को समीकरण 1 में रखने पर फिर जब हम इसमें रख देंगे x के बराबर x का मान 6 और प्लस y इज इक्वल टू 11, तो y का मान क्या हो जाएगा भाई 11 में से इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 11 में से 6 घटेगा क्या बचेगा 5 अर्थात 5, ठीक है। तो x का मान 6 और y का मान 5 मिल गया है। अब हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा निकाल सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भाई x के स्थान पर 6 का स्क्वायर है ना प्लस y का 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 6×6=36 और 5×5=25, तो मान क्या आ जाएगा भाई 6×5=11 और 3×2=5=1=6, तो हमारा आंसर जो है 61 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन सही होगा 61। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा।